हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। हम इस नियम से किसी भी संख्या को देखकर बता देंगे कि वह कौन से अंक से विभाजित होता है। मैं यहाँ पर एक संख्या शब्द का प्रयोग किया और ये अंक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं संख्या किसे कहते हैं। जैसे मैं कोई 1, 2, 3, 4 ये एक यहाँ पर उदाहरण लिया। यहाँ देखेंगे 1234, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ वो 1234 है। और अगर मैं इसे 1234 पढ़ूँ तो यह एक संख्या है। अगर मैं इसे 1234 पढ़ूँ तो यह एक संख्या है। लेकिन अगर मैं इसके अंक की बात करूँ तो 4, 3, 2, 1 इनके अंक होंगे। तो आप समझ गए होंगे, संख्या कहूँ तो 1234 और अंक कहूँ तो 4, 3, 2 और 1 इसके अंक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम विभाज्यता के नियम में। विभाज्यता के नियम में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसके साथ साथ 11 के विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे शुरू मैं करता हूँ 2 से। तो देखते हैं कोई भी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो 2 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इकाई के अंक को हम देखेंगे। और अगर इकाई के अंक में किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर हमें 0 दिख रहा है, 2, 4, 6 या 8 दिख रहा है, इतने अंक अगर इकाई में हमें दिखे मतलब वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, पहला 5, 7, 9, 8 यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी क्योंकि इकाई में क्या है, 8 है। दूसरा उदाहरण लेता हूं, 9, 8, 5, 7, 0 यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 0 है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या जो 98,570 ये अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई में 0 है। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर 3 के विभाज्यता के नियम में कोई अगर संख्या दी हुई हो, दी गई जो संख्या है उनके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अगर जो भी संख्या दी है उनके सभी अंकों को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो अगर 3 से भाग चला जाएगा मतलब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर दिया हुआ है 12,345। तो 12,345 को हम जोड़ते हैं, एक सभी अंकों का योग कर रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15 इनको जोड़ने पर आ रहा है 15। क्या 15 3 से कट जाता है, कट जाता है, मतलब 12,345 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए कोई और मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 98,754 इसको जोड़कर देखते हैं, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 4 33 इनको जोड़ने पर आ रहा है 33। और 33 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो ये कट जाएगा, अतः इसको अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो ये भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार जैसा कि 3 का नियम है ऐसा ही 9 का भी नियम है। तो चलिए 3 के साथ साथ हम 9 के विभाज्यता के नियम को भी देख लेते हैं। 9 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, हम अगर सभी अंकों को, जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या के सभी अंकों का जो योग है, जो भी योग आएगा सभी अंकों को हम जोड़ेंगे तो उसको हम 9 से भाग देकर देखेंगे। अगर 9 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी। अगर इसका योग 9 से भाग चला गया तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसके लिए मैं उदाहरण लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 ये संख्या है 1,23,453। तो जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 3 कितना हो रहा है, 18। और क्या 18 9 से भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, मतलब अगर मैं इस 1,23,453 को भी अगर मैं 9 से भाग दूं तो ये पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो 3 और 9 के विभाज्यता के नियम बस सेम, लगभग सेम है, बस ध्यान रखना है 3 के नियम में 3 से भाग देकर देखना है योग को, और अंकों के योग को 9 से भाग अगर चला गया तो 9 से भी वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। अब हम देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम।
तो चार के विभाज्यता के नियम में क्या करना है हमें, जो भी चार के विभाज्यता के नियम में जो भी संख्या दी हुई है उसके पीछे के दो अंकों को लेना है, पीछे के दो अंकों से निर्मित संख्या को हमें चार से भाग देकर देखना है। चार के विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो पीछे से दो अंकों से निर्मित संख्या को चार से भाग देकर देखना है। अगर चार से भाग चला गया तो वो पूरी संख्या भी चार से विभाजित होगी। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। 946036 तो इसमें हमको क्या करना है, ये संख्या चार से कट जाएगा कि नहीं ये चेक करने के लिए मुझे लास्ट के ये दो डिजिट को ही देखना है। तो हम 36 को चार से कटाएंगे तो 36 जो है चार से कट जाएगा, 9 चौक 36, अतः ये 36 जो है चार से कट गया, मतलब ये पूरी संख्या भी चार से कट जाएगी। और कोई दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, 945708। इसमें पीछे के दो अंक को लेते हैं, क्या बन गया ये दो अंक, 8 बन गया, और इसको 4 से भाग देकर देखते हैं, 08 मतलब 8 है और इसको 4 से भाग देंगे तो ये चला जा रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या जो 945708 है ये भी पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य है। जैसा कि 4 का विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार के 8 का भी विभाज्यता का नियम है, ये दोनों लगभग सेम है तो इसको भी हम देखते हैं। 8 के विभाज्यता के नियम में हमें क्या करना है, पीछे के तीन अंकों से निर्मित संख्या पर हमको ध्यान रखना है और इसी संख्या को हमको क्या करना है, 8 से भाग देना है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये दो अंकों से जो संख्या निर्मित हो रही थी उसको 4 से भाग देते थे क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम था। 8 के विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे, जो तीन अंकों से निर्मित, पीछे के तीन अंकों से निर्मित जो संख्या है उसको 8 से भाग देकर देखेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं उदाहरण लेता हूं, 79048। इसमें हमको क्या करना है, पीछे के तीन अंकों को देखना है और इससे क्या बन रहा है, 48 बन रहा है और 48 को 8 से हम भाग देकर देखते हैं। ये 48 8 से भाग चला जाएगा, 8 6 48, और इसलिए ये पूरी संख्या 79048 भी 8 से विभाज्य है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण है हमारा 85184। इसमें से हमको फिर तीन अंकों पर ही ध्यान रखना है और तीन अंकों को 8 से भाग देकर देखना है। तो यहां से 8 × 16 और 16 में 2 बच गया और फिर 4 उतरेगा तो 24 बनेगा, 8 × 3 = 24। चूंकि ये 184 23 से विभाज्य हो रहा है, 8 से कटा रहे हैं तो 23 बार में, मतलब इतना अगर 8 से विभाज्य हो गया तो ये 85184 भी 8 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देख कर ही, आप मन में ही कैलकुलेट करके, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर आप मन में ही कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या कौन से अंक से विभाज्य होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं 5 के विभाज्यता का नियम बताता हूँ। 5 के विभाज्यता के लिए हमको इकाई पर फिर से ध्यान रखना है और इकाई में 5 के विभाज्यता के लिए या तो 0 होने चाहिए या तो 5 होने चाहिए। अगर इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो चलिए मैं उदाहरण लेता हूँ, 1 2 3 5 7 0। तो देखिए ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई में 0 है। तो कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, 7 5 3 1 5। ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी क्योंकि इसके भी इकाई में क्या है, 5 है। अगर इकाई में 5 है तो 75315 जो है ये 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए जैसा कि 5 का नियम है उसी प्रकार का 10 का भी विभाज्यता का नियम है। तो चलिए हम 10 के विभाज्यता के नियम को ही देख लेते हैं क्योंकि इसी के जैसे है। इसके इकाई में क्या होने चाहिए, अगर कोई संख्या है उसके इकाई में हमें 0 दिख रहा है, केवल क्या दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, तो वह जो है 10 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 5 और 7 0।
ये है हमारा 123,570। इसके इकाई में क्या दिख रहे हैं, जीरो दिख रहे हैं, अर्थात ये संख्या जो है 10 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 5, 7, 4, 3, 0। इसके भी इकाई में क्या दिख रहे हैं, जीरो दिख रहे हैं, अर्थात ये संख्या भी जो 57,430 है ये भी हमारा 10 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर बच गया अब 6 के विभाज्यता का नियम और 7 और 11 का। तो हम चलते हैं 6 के विभाज्यता के नियम में। 6 की विभाज्यता 6 बना है 2 × 3 से, 2 × 3 = 6, मतलब 6 की विभाज्यता के लिए वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। और हमने 2 के विभाज्यता और 3 के विभाज्यता के नियम पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम कोई एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इसके विभाज्यता के नियम को। मैं उदाहरण लेता हूँ 1234। तो चलिए इसको देखकर बताइए क्या ये 2 से विभाज्य है। हाँ, इसके इकाई में 2 है अर्थात ये 2 से विभाज्य है, मतलब पहले नियम को संतुष्ट किया। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो रहा है और ये 10 3 से विभाजित नहीं होता, अर्थात ये 3 से विभाजित नहीं है। ये 1234 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये 6 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए अगला उदाहरण से समझते हैं 6 से विभाज्यता के नियम को। 98,754 मैं लेता हूँ, 98,754 इसको जोड़ कर देख। सबसे पहले अब इसमें ये चेक करेंगे कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए इसके इकाई में 4 दिख रहा है, मतलब ये 2 से विभाज्य है। अब हम 3 के विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, और ये 33 3 से विभाज्य हो जाता है, अर्थात ये 3 से भी विभाज्य है। अर्थात 98,754 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 के विभाज्यता के नियम में। 7 के विभाज्यता के नियम के लिए मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है पी क्यू आर एस और टी। मान लीजिए ये कोई संख्या है, ध्यान रखेंगे मैंने संख्या बोला। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करेंगे। तो इकाई में टी था तो टी को दोगुना कर दिया। अब यहां से जो भी बचा इससे एक संख्या निर्मित होगी, इस बचे संख्या को इससे घटा देना है। तो पी क्यू आर एस ये एक संख्या है, ध्यान रखेंगे इस संख्या से इसको घटाना है। और अगर ये 7 से विभाजित हो गया तो जो दी हुई संख्या है अर्थात पी क्यू आर एस टी जो एक संख्या है वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं उदाहरण लेता हूँ 875। तो मेरे को क्या करना है इसको जानने के लिए, मैं इकाई के संख्या को दोगुना करूंगा तो क्या हो गया 10, 5 का दोगुना 10। अब बचा जो संख्या है उसको घटा दूंगा, यहाँ पर बचा क्या 8, 7 अर्थात 87, और ये जो है 7 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया, 87 में 10 माइनस किया तो 77 आया और 77 7 से कट जाता है, अर्थात ये जो 875 है ये जो है 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। हमने 7 के विभाज्यता का नियम देखा। अब हम सबसे लास्ट में देखते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11 के विभाज्यता के नियम में मैं सबसे पहले जैसा बेसिक फार्मूला देता है मैं उस आधार पर आप लोगों को लिखाता हूं, लेकिन इसको बनाना कैसे है मैं उसको आपको फिर बताऊंगा। जैसे विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या, संख्याओं का योग, का योग और सम स्थानों की संख्या, नीचे लिख देता हूं, सम स्थानों की संख्याओं का योग, ये जो दोनों हैं इन दोनों का हमको निकालना है अंतर।
ध्यान रखेंगे मैं अंतर बोल रहा हूं, अंतर मतलब जो भी बड़ा रहेगा इन दोनों में उसमें से इनके छोटे को घटाना है। मान लीजिए ये बड़ा है तो इससे इसको घटाना है, अगर ये बड़ा है तो इससे इसको घटाना है, जो बड़ा रहेगा उससे छोटे को घटाना है। अब अगर हम ऐसा अंतर निकालेंगे तो या तो जीरो आएगा या फिर आएगा, या तो जो भी यहां पर अंतर आएगा ये अंतर 11 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जो भी अंतर आएगा वो या तो जीरो आएगा या तो फिर ऐसा कोई अंतर आएगा जो 11 से विभाजित हो जाता है, भाग चला जाता है। तो चलिए मैं उदाहरण लेता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं 5115। अब देखिए सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। सम हम कहते हैं, विषम कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे हम विषम कहते हैं। 2, 4, 6, 8 ये सब सम है क्योंकि ये सभी अंक 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो सम स्थान और विषम स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो यहाँ पर ये है विषम स्थान और ये दूसरा और चौथा ये है सम स्थान। तो ऐसा ना समझ के ऐसा करिए आप, शुरू से आप एक जोड़ा बनाते चलिएगा लेकिन एक एक अंक को छोड़कर जोड़ा बनाइएगा, जैसे इसका ये एक अंक छोड़कर इसके साथ जोड़ा, तो इन दोनों को हमने जोड़ा बनाया तो इन दोनों का योग कितना हो गया, योग हुआ 6। और अब हम सम स्थान के संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, ये अब इसको इसका जोड़ा बना लिया था तो इसको छोड़कर अगले, तो अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 6। अब देखिए हमने इन सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ लिया है, अब इन दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे तो 6 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, 0, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए एक और उदाहरण से मैं समझाता हूँ, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो अगले उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अगला है हमारा 59,708। तो देखिए मैं इसको ले रहा हूं और इसके साथ एक अंक छोड़कर अगला जोड़ा, फिर एक अंक छोड़कर अगले के साथ जोड़ा, अब इसको क्या कर देंगे, योग करेंगे। तो 5 और 7 12, 12 और 8 हो रहा है 20। अब मैंने जिसको जोड़ दिया है उनको छोड़ के बाकी के जोड़ा बना के योग कर दूंगा इन दोनों का, तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 20 से 9 को अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ आ रहा है 11, और 11 जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, अर्थात 59,708 को अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो ये भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। इसी प्रकार के स्टडी एवं जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।